हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप में से कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे और पूछा जा रहा था कि सर आप एडिटिंग कैसे करते हैं एंड एडिटिंग के ऊपर कोई एपिसोड बनाइए। सो आज का ये एपिसोड इसी एडिटिंग के ऊपर है। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरा एडिटिंग का जो मेथड है वो बहुत सिंपल होता है। मैं बहुत लेंदी एंड लंबे प्रोसेस में बिलीव नहीं करता हूं। एंड मैं चाहता हूं कि हम चूँकि मैं या हमारे जैसे बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर हैं जिनके पास समय की बहुत कमी होती है, अगर हम अपना पूरा समय एडिटिंग में ही व्यतीत कर लें तो फिर बाकी का काम करने के लिए और समय नहीं बच पाता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यूज़ करता हूँ बहुत सारे अलर्ट्स, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे प्रीसेट्स। तो आज मैं अपने प्रीसेट्स में से जो मेरा ख़ास प्रीसेट्स है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। और ख़ुशी की बात ये है कि आज के बाद से आपको प्रीसेट या ये सारी चीज़ें लेने के लिए एडिशनल पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट में जाना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी वेबसाइट में और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वहाँ से प्रीसेट्स डाउनलोड करने हैं एंड इसे कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात यह है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है psdraja.com। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले psdraja.com में ले जाता हूं और वहां पे जाके हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें अपलोड हो रही हैं इसके बारे में जानकारी देता हूं। एंड उसके बाद वहां से एक प्रीसेट डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं ये बताता हूं और उसे यूज़ कैसे करते हैं ये भी आपसे शेयर करता हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल में एंड गूगल में यहाँ पर टाइप करना है psdraja। यहाँ से आप psdraja जैसे क्लिक लिख के इंटर मारते हैं देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी साइट सबसे ऊपर आ जाती है psdraja डाउनलोड फ्री वेडिंग psd फाइल। तो आप यहाँ पे जाके फ्री वेडिंग psd फाइल्स अगर आप वेडिंग एल्बम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सारे के सारे फ्री फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी वेबसाइट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और आप सभी के लिए। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके डेली बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नए नए टेम्पलेट्स एंड नए नए प्रीसेट्स चाहिए तो आप psdraja.com में आके यहाँ से फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसका कैसा सिंपल सा मेथड है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे देखिए psd टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे 1236 के बहुत सारे, लगभग 1000 से भी ऊपर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो हमने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो बैकग्राउंड है, अगर आप स्टूडियो का काम करते हैं तो और बैकग्राउंड चेंजिंग का है का मेथड आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं जो आपके काफ़ी काम के हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट्स हैं एंड प्रीसेट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीसेट्स में मैं चला जाता हूँ लाइटरूम प्रीसेट्स में। मैं आज लाइटरूम प्रीसेट की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फ्री लाइटरूम प्रीसेट डाउनलोड वॉल्यूम 1 है। आज हमने फर्स्ट वॉल्यूम डाला है सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही इस वेबसाइट के बारे में आपसे शेयर किया जाए। सो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड है इसका डाउनलोड का। आपको करना है सिंपली इस लिंक पे क्लिक एंड इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमने कोई भी टिपिकल चीज़ें इसमें नहीं दी है कि बहुत सारे अलग अलग ऐसा कुछ सेटअप नहीं बनाया हुआ है कि आप उसमें जाएं और आपको काफ़ी परेशानी हो। आप बहुत इजी डाउनलोड है, आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यही हमारी वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आपको किसी भी प्रकार का पॉपआउट या और यहाँ से वहाँ जाने वाली परेशानी पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड वहाँ से आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। चलिए हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फाइल मैंने डाउनलोड की थी, उस फाइल को मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में ले आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसे सिंपली आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो आपकी सारी की सारी फाइल्स जो हैं जो इसके अंदर है वो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 अलग अलग प्रीसेट्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज़ है कि अब आपको खोलना है सीधा लाइटरूम। लाइटरूम खोलने के लिए मैं चला जाता हूँ पहले बैक एंड जो फ़ोटोज़ मुझे एडिट करनी है, जो भी आपको फ़ोटोज़ एडिट करनी होगी आप सिंपली उसे राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके उसे लाइटरूम में ओपन कर लें। तो यहाँ पे मैंने लाइटरूम में ओपन कर लिया है। जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ शेयर करता हूँ। दोस्तों याद रखें आप कोई भी ऐसा लंबा मेथड यूज़ ना करें। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, अगर आप एक सिंपल से फोटोग्राफर हैं, आपको रोज़ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी एडिट करनी है, आपके क्लाइंट को भी हैंडल करना है और बहुत सारी चीज़ें अगर करनी है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना टाइम बचाएँ तो इस तरीके के मेथड्स का यूज़ ज़रूर करें।
बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्रीसेट्स यूज़ करना बेकार है, बट मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आपको प्रीसेट यूज़ करने से आपका काम जल्दी होता है और अच्छा होता है तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ ओपन हो गई है। फ़ोटोज़ ओपन होने के बाद यहाँ से आपको इसे सिंपली इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद अब सिंपल वे है इसका एडिट करने का, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको डेवलप मॉड्यूल में चले जाना है। डेवलप मॉड्यूल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए प्रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो ये है दोस्तों प्रीसेट का ऑप्शन। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए ऐड न्यू प्रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्रिएट प्रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रीसेट नेम के अब यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। सबसे मेन चीज़ है कि आपको न्यू ग्रुप बनाना है एंड प्रीसेट नेम आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ राजा अवस्थी न्यू प्रीसेट्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया, अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से ग्रुप को क्रिएट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप राजा अवस्थी न्यू प्रीसेट ये आ गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि भाई आपके प्रीसेट्स कहाँ हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पर भी आपने प्रीसेट्स अपने रखे हैं आप वहाँ अंदर चले जाएँ। यहाँ पर देखिए हमने प्रीसेट यहाँ पर रखे थे, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे प्रीसेट्स इस फोल्डर में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यही इसकी सबसे ख़ास बात है, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे कि अंकित भाई की ये फ़ोटो है और मेरे पास ये सारे प्रीसेट्स हैं। जैसे कि ये अब देखिए विद इन अ वन क्लिक ये फ़ोटो बन रही है, यहाँ पे देख सकते हैं विद इन अ वन क्लिक फ़ोटो बन रही है। अगर जैसे आप देख सकते हैं कि राजा टोन 4 इस वाले पे मैंने क्लिक करके, अब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो फ़ोटो हो गई आपकी हाईलाइट, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये जो हाईलाइट है इसे थोड़ा कम कर लेना है। आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेजेबल है। अगर आप इसे मैनेज कर लेंगे तो आपका काम ईजिली डन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज करके टोन चेंज कर सकते हैं, ये पूरे तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मेरी फ़ोटो बन गई। यहाँ पे संजीत की एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, बड़ा अजीब सा यहाँ पे फेस बनाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, ये काफ़ी अच्छा बंदा है। सो यहाँ पे देखिए हम इसमें एक्वा ब्लू ट्राई करते हैं, हम यहाँ पे ब्लैक ट्राई करते हैं, यहाँ पे ग्रीनी ट्राई करते हैं, ये मूडी ट्राई करते हैं, हम यहाँ पे मूडी ब्लू। तो यहाँ पे देखिए मूडी ब्लू जब मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर इसके फेस का जो टोन है वो थोड़ा चेंज होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वे है, यहाँ से आप शेडो थोड़ा बढ़ा दें। इस तरीके से आपको लाइट रूम के अलग अलग फीचर्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फ़ोटोज़ बना लेने हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है और बहुत सिंपल मेथड है आपके एडिटिंग करने के लिए, स्पेशली जब आप प्री वेडिंग के फ़ोटोज़ एडिट करते हैं। सिंपली जब आप प्री वेडिंग के फ़ोटोज़ एडिट करते हैं तो आपके पास समय बहुत कम रहता है और उस समय हम सोचते हैं कि यार काश कोई ऐसा चीज़ होता जिससे मेरा काम फटाफट और आसानी से हो जाता। तो यही वो चीज़ है जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट थिंग, आपको अगर ये इस तरीके के प्रीसेट्स और चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम इस तरीके के प्रीसेट्स आपके लिए और भी इस वेबसाइट में डालते रहें। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि मैं वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आता रहता हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।